दोस्तों, कुछ वक्त पहले पीएम मोदी और ऋषि सुनक के बीच ट्विटर में बात हुई। पीएम मोदी ने ट्वीट में उनको बधाई दी तो ऋषि सुनक ने भी उनका जवाब बहुत अच्छे से ही दिया था। तो दोस्तों, इसके बाद ही कहा जा रहा है कि इन दो देशों के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात भी बहुत ही जल्दी होने वाली है। और दोस्तों, क्या कुछ है इस खबर में, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे हम इसी वीडियो में। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद के लिए शपथ ली। प्रधानमंत्री बनते ही ऋषि सुनक ने बड़े बड़े एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पूर्व प्रधानमंत्री लीज ट्रिस्ट के खास नेताओं को कैबिनेट के बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जबकि अपने खास खास नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है। दोस्तों तो दोस्तों ब्रिटेन में हुए इस सत्ता परिवर्तन का असर सिर्फ ब्रिटेन के वासियों को ही नहीं होगा, बल्कि इसका असर कहीं ना कहीं भारत पर भी देखने को मिलेगा दोस्तों। और यही वजह है कि अब भारतीयों को भी उम्मीद है, ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब भारत और ब्रिटेन के रिश्ते अच्छे होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों, कुछ वक्त पहले पीएम मोदी और ऋषि सुनक के बीच ट्विटर पे बात हुई थी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके ऋषि सुनक को बधाई दी थी तो ऋषि सुनक ने भी उसका जवाब बहुत ही ज्यादा अच्छे से दिया था। तो दोस्तों, इसके बाद ही कहा जा रहा है कि इन दो देशों के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात भी बहुत ही जल्दी होने वाली है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इसी बीच ऋषि सुनक ने एक ऐसा ट्वीट किया जिससे ये साफ हो गया कि पाकिस्तान का साथ तो वो किसी भी हालत में नहीं देने वाला है। भारत के लिए जहर निकालने वाले पाकिस्तान को ऋषि सुनक ने अपने एक ट्वीट से तगड़ा जवाब दे दिया है। हालांकि दोस्तों, इसमें ऋषि सुनक ने पाकिस्तान का नाम तो लिया नहीं, लेकिन हाँ, ऋषि सुनक का ये ट्वीट साफ इशारा करता है कि वो ना कभी जहर उगलने वाले पाकिस्तान के साथ थे और ना ही कभी आने वाले समय में होंगे। दरअसल पीएम ऋषि सुनक का ये ट्वीट पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच को लेकर हुआ। आप जानते ही हैं, रविवार का दिन क्रिकेट लवर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। T20 का फाइनल खेला जा रहा है, पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम मैदान में आमने सामने खड़ी है। तो दोस्तों, ऐसे में मैच शुरू होने से पहले ऋषि सुनक ने इंग्लैंड की टीम को बधाई भेजी। दो टीमों में से ऋषि सुनक ने इंग्लैंड को चुना और बधाई दी। देखा जाता है कि मैच के शुरू होने से पहले दोनों टीमों को बधाई दी जाती है, लेकिन जब ऋषि सुनक ने देखा कि सामने पाकिस्तान है तो उन्होंने सिर्फ इंग्लैंड को ही बधाई देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने उन्हें बधाई देने तक का सही नहीं समझा और अपनी टीम का साथ दिया। अब लोग कह रहे हैं कि ये सब अब क्रिकेट मैच तक नहीं रहेगा, ये आगे आगे आने वाले कई जगहों में होगा। विरोध अब ऋषि सुनक के तरफ से देखने को मिलेगा। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? दोस्तों, आपकी जो भी राय है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम इसी तरह की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच पाए जो इस चैनल तक नहीं पहुंच पाए हैं। यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आइए देखते हैं एक और बड़ी खबर। तो दोस्तों, एक यूजर ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार को गद्दारों को पहचानने में और कितना वर्ष लगेगा, केवल नाम अलग अलग हैं, लेकिन खून गद्दारों का ही है। मोदी हमें सोना भी दे दें तो भी हमारा दिल पाकिस्तान के लिए ही धड़केगा। दोस्तों, क्या हुआ ऐसा कि उस यूजर ने ये सब लिख डाला मोदी जी को? आपको बताएंगे ये तमाम चीजें इसी वीडियो में। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कश्मीर की तस्वीर बहुत हद तक बदल चुकी है। सरकार लगातार बहुत प्रयास कर रही है और सफलता भी मिल रही है। आपको बता दूं कि वहां के युवाओं ने अपने हाथों से पत्थर, फेंक, किताबें, बल्ला और फुटबॉल पकड़ लिया है। वो दहशत की चीजें छोड़ पढ़ाई और खेलों कूदों पर ध्यान दे रहे हैं। ये वही कश्मीर है जहाँ बच्चे बच्चे आतंक में शामिल होते थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और सुधरने का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कश्मीर में आतंक की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि मानो इसे खत्म करने में ही सालों का वक्त लग जाएगा। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि एक भटकते हुए कश्मीरी का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बोल रहा है कि अगर उसे मोदी सोना भी दे देते हैं तो भी उसका दिल पाकिस्तान के लिए ही धड़केगा। अब सुनाते हैं इस कश्मीरी का वायरल वीडियो जो उसने लाल चौक पर खड़े होकर कही है। نیاز اونمو دنگر صبر کر مرد زندہ رشمور صبر کر پاکستان زندہ یہ مبارک گڈنیت نیدرلینڈس ادھ پاکستان اجو نیج یا
पाकिस्तान पग जन सोन इंग्लैंड तो इंडिया को गुन नबर रोई शेई भारत एम खोमुत उम्र हक कशीर सोई और लुको खूचो मोदी अगर यह सोन तिछाई तथ्य खुदा करो निदान मुस्तफा चाल मुबारक पाकिस्तान पाकिस्तान तो दोस्तों सुना आपने इस कश्मीरी की बात। अब इस वीडियो से लोगों में गुस्सा भर गया है। एक यूजर ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मोदी सरकार को गद्दारों को पहचानने में और कितना समय लगेगा, केवल नाम अलग अलग हैं पर खून तो गद्दारों का ही है। मोदी हमें सोना भी दे दें तो भी हमारा दिल पाकिस्तान के लिए ही धड़केगा। पाकिस्तान की जीत पर लाल चौक पर बोला एक कश्मीरी मुस्लिम। तो वही एक और यूजर ने लिखा, तो पाकिस्तान जाए फ्री का राशन वैक्सीन सिलेंडर क्यों ले रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा, समझ में नहीं आ रहा है कि भारत सरकार इनको पाकिस्तान क्यों नहीं भेज रहा है, बंटवारा अधूरा है जब तक एक भी मुस्लिम भारत में है। ऐसे ही कई लोगों ने पोस्ट कर अपना गुस्सा जाहिर किया। भारत में रहकर भारत का नमक खाकर ऐसा कर रहे हैं ये लोग। भारतीय लोग इस कश्मीरी से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है दोस्तों, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों हम इसी तरह की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। इससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी दोस्तों, और आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच पाए जो इस चैनल तक नहीं पहुंच पाए हैं। यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ। Thank you.